वो इनके ना कानों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम नहलाते हैं, कॉटन लगाते हैं, पानी चला जाता है या मिट्टी विट्टी चली जाती है कोई। ये देखो व्लॉग में ना मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ 3 मेजर प्रॉब्लम्स अगर आपके पास रॉटवाइलर है तो। रॉटवाइलर मतलब ये कुत्ता निकल रहा है, गंदी भर गया था शायद लास्ट टाइम, उन्होंने तो साफ ही नहीं किया। तो भाई कॉलेज से आते ही मुझे सबसे पहले शांतिगढ़ हॉस्पिटल लाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसके दर्द हो रहा था कान में, एंड इसके वैक्सीनेशन भी है। आ जा इधर चले। इसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कल रात को तो मैंने दवाई लगा दी थी, क्योंकि अंदर से ना शायद पक गया, रेड हो गया। कुछ मेरी गलती की वजह से भी है कि मैंने नहलाते टाइम इसके कान में रोई नहीं डाली लास्ट टाइम, तो उस वजह से भी हो सकता है, और पता नहीं बहुत टाइम से हो नहीं रहा था। सुनते हैं, वैक्सीनेशन भी है इसकी। दर्द तो इसको इतना हो रहा है मैं क्या बताऊँ। कल रात तो इसके ग्लैंड्स भी साफ कराने पड़ेंगे, क्योंकि ना पीछे किचन कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनके ग्रीन वाली साइड में ना है ना वाटर स्टोर हो जाता है, निकल रहा है, गंदी भर गया था शायद लास्ट टाइम, उन्होंने तो साफ ही नहीं किया। पेन तो इसके बहुत ज़्यादा हो रहा है, कल तो मैं कह रहा था कल हो गया। तो कितने मजे आ रहे हैं इसे। हाँ ये रहे, चलो तुम्हारी अभी बड़ी बातें हो रही थी, क्या करना है, तुम चाह क्या रहे हो। बैठ नीचे, सेट, उठना नहीं है, बहुत मारूंगा मैं, करना कान तो साफ हो गए हैं, अभी थोड़ा फड़फड़ा रहा कानों में, लोशन वोशन लग गया है ना, हो गए हैं, अब इसके ग्लैंड साफ हो रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं घर की तरफ, पहुंच रहे हैं बस घर। विनायक जी ब्राज़ीलियन खेले हम आग से और खेलते हम राग से। शैंपी यहाँ 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 चोट लगी है इसके, यहाँ यहाँ लगी है, मुझे मुझे क्या चाट रही है, उसके चाट, इसके यहाँ चाट ले, यहाँ चाट ले। ये रॉटविलर जितने होते हैं ना इनको सबको गांव भेज दो। कुछ हो थोड़ी गई इसे, नॉटिंग इसको काट ले, बाहू कर दे, कोई मार रही है। अच्छा सो जा, सो सकते हैं। व्लॉग में ना मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ 3 मेजर प्रॉब्लम्स अगर आपके पास रॉटवाइलर है तो। रॉटवाइलर मतलब ये कुत्ता। ओए वो कौन है, पहली चीज तो ये कि ये ना सबसे ज्यादा अलर्ट कुत्ते हैं, मतलब इनको तुम 1 सेकंड में कमांड दो ना, देखना शैंपी वो कौन है, दूध फैल जाए। तो मतलब ये चीज़ ना बड़ी बेकार रहती है कभी कभी, वैसे मजाक मस्ती करने के लिए ना तो ये बहुत चीज़ें सही है। ये पहली चीज़ मैंने सबसे तुम्हें बताई, ये अलर्ट इतने रहते हैं, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अब कोई आ गया ना घर में और तुमने गलती से बोल दिया ये कौन है, कौन है वो, कौन आ गया, देखो गेट पे कौन है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरा दिल ना रात को इतनी तेज तेज धड़कने लगता है, कितनी गंदी तरीके भौंकता है, जब ये बहुत गंदी तरीके भौंकता है, जैसे भेड़िए भौंकते हैं ना वैसे सेम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि डरा देते हैं, अलर्ट रहते हैं और डेंजरस तो देखो है ही, अगर तुम्हारा रॉटवाइलर ट्रेंड नहीं है तो वो तुम्हारे लिए तो डेंजरस है ही, सामने वाले के लिए और ज्यादा डेंजरस है।
चिंदी तेरी बातें हो रही हैं और जेलेसी ओए होए जेलेसी बता जेलेसी तो इतनी ज्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं वो तो हर कुत्ते को होती है बट इन्हें कुछ ज्यादा ही है तुम अभी झूठे मुंह बोल दो ना ये देख बाबू आ गया ये तो मेरा भाई है खुद ये तो मेरा भाई है मेरा भाई है मेरा भाई ये मुझे मार रही है बाबू कर दे बाबू कर दे नहीं करेगा कैमरा शाय है ओए सुन ना ये मार रही है मुझे देखो ये नीचे भाग गया ऊपर इधर आ इधर इधर आ कोई है तो नहीं? हाँ कौन है उसमें तो गुफा बनी हुई है तेरे घर में कोई आना नहीं चाहिए चल मैं जा रहा बाय जा कोई बात नहीं बाय बाय देखो गुस्सा मम्मी चादर फाड़ देगा ये देख देख तेरी नाक में लग जाएगी जल्दी बात ओ अच्छा सुन ये देखो गुस्सा इसी के अंदर है बच्चा शैंपी आप बिस्किट दूं ये देख ये रखे बिस्किट ये रहे इधर ये देख पहली चीज देख लो तुम लोगों को लाइव दिखा दी गुस्सा अलर्टनेस इसकी तो गाल लटक गई बूढ़ा हो रहा है ये बूढ़ा दूसरी चीज बताता हूँ पहले एक चीज के बारे में समझ लो तो मैं इसको ना इसकी दवाई खिलाने जा रहा हूँ जिन लोगों के पास डॉग है या कैट है वो दवाई नहीं खिला पाते बड़ी बड़ी टैबलेट्स होती हैं इनकी मैं तुम्हें बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ बहुत इजीली खिला सकते हो और तुम्हें पता होगा ये देखो कितनी बड़ी टैबलेट है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे खाते हैं और ट्रिक क्या है अभी एक गोली तो मैंने दे दी तब मैंने क्लिप नहीं बनाई थी तो अब मैं क्लिप बना रहा हूँ ये याद है इसे बताता हूँ अभी एक पार्ट ने बनाई है ना स्ट्रीक बनाई है वो स्ट्रीक दिखाऊंगा तो मैंने इसका मुंह पकड़ रखा है ये देखो ये पकड़ो इसका मुंह यहाँ से ठीक है ये री गोली देख लो ये री गोली ये इसके मुंह पे दबाओ और मुंह पकड़ लो जब तक ये जीभ बाहर ना निकाले हाँ ये देख रहे हो थोड़ी थोड़ी जीभ बाहर निकाल रहा है अभी जब तक ये जीभ ना निकाले हाँ और निकाल जीभ हाँ मतलब गोली अंदर गई इजिली खा ली इसने गोली तुम्हारी टेंशन खत्म अब कुछ लोग होते पनीर देते पहले हम भी पनीर देते थे पनीर खाने में डाल देंगे पड़ा रहेगा बहुत कड़वी होती है ये टैबलेट भी बहुत बढ़िया है तो दवाई दे दी अब इसकी कानों वाली दवाई डालूंगा बहुत सिंपल थी अगर ट्रिक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ना तो इसके मैंने अभी इस वाले कान में ड्रॉप डाला है देखो रॉटवाइलर्स हो या कोई अदर डॉग हो इनके ना कानों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हम नहलाते हैं कॉटन लगाते हैं पानी चला जाता है या मिट्टी विट्टी चली जाती है कोई कीड़ा मकोड़ा तो इनके ना इन्फेक्शन हो जाता है कुछ लोग टेपिंग करवाते हैं टेपिंग क्या होती है जब कान में इनके ज़्यादा जख्म हो जाता है ना तो ये टेपिंग होती है उसके बाद ये ड्रॉप डलता है ड्रॉप डल के 2-3 मिनट मसाज में बता देता हूँ ड्रॉप भी कैसे डलता है और फिर कैसे मसाज करनी है जिससे इनको आराम आए मज़ा तो बहुत आता है इनको ये इसका इस कान का हो गया अब मैं इस कान में बहन जलाइयो फ्लैश देखो पहले तो जलाइयो फ्लैश जलाइयो अब तो इसके चोट कम हुई है इसके भी जख्म हो गया था वो पानी की वजह से भी हुआ था और कुछ इसकी गंदगी भी थी क्योंकि ये हमारा ज़मीन पे सोता है ये डालो 1-2-3-4-5-6 ड्रॉप डाल दी मैंने कान को इस तरफ को रखो ये देखो ये आवाज़ आ रही है ये इनके यहाँ पर ये दवाई ना बाहर नहीं निकलनी चाहिए कुछ लोग होते हैं ना डाल के छोड़ देते हैं वो सारी दवाई गिर जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर आराम भी नहीं आएगा और ऐसे करके दवाई को अंदर को ये देखो अब इसके ये कर दी मैंने इसका ये साइड नीचे रखो और जब इनके सादा जख्म हो जाता है फिर इनको एलिजाबेथ लगाना पड़ता है यानी एक कवर टाइप होता है वो अब ऐसे करके चलो भाई उधर कर बैठे चलो अभी के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं अब कुछ करेंगे तो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग लव यू ऑल जय श्री राम बाय बाय